और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, कार्यकाल पूरा होने पर भी तैनात पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। लखनऊ से खबर, 65 अवर अभियंता प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बावजूद भी तैनाती। कार्यकाल पूरा करने के बाद भी यूपी आरएनएन में तैनात है कर्मचारी। शासन ने लिखा निर्माण निगम प्रबंध निदेशक को पत्र, अवधि पूरी कर चुके अभियंताओं को वापस भेजे लोक निर्माण विभाग। लखनऊ से अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, शासन ने निर्माण निगम प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है और अवधि पूरी कर चुके अभियंताओं को वापस भेजे लोक निर्माण विभाग, इसको लेकर पत्र लिखा गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त। और आपको बता दें कि 65 अवर अपर अभियंता प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कार्यकाल पूरा होने के बाद भी यूपी आरएनएन में तैनात है कर्मचारी। शासन ने लिखा है निर्माण निगम प्रबंध निदेशक को पत्र, कार्यकाल पूरा होने पर भी तैनात पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी आ रही है, जो 65 अवर अभियंता हैं इनकी तैनाती अभी भी, कहा जाए कि जो पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती अभी भी बनी हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए शांतनु, ये पूरा खेल जो है वो प्रतिनियुक्ति का है। दरअसल होता ये है कि लोक निर्माण विभाग की एक नोडल एजेंसी है राजकीय निर्माण निगम। राजकीय निर्माण निगम के बारे में चर्चा है कि राजकीय निर्माण निगम में जो काम कराए जाते थे, ठेकेदारी के जो काम कराए जाते थे, वो ऑनलाइन टेंडर नहीं कराए जाते थे, वो डीसीयू पैटर्न पर के कराए जाते थे और वहां निर्माण कार्य होता था। वहां पर लोक निर्माण विभाग के वो जो तमाम अवर अभियंता है वो प्रतिनियुक्ति पे गए थे। अमूमन ये है कि प्रतिनियुक्ति की जो का समय सीमा है वो पहले ही निर्धारित होती है, यानी 3 साल के लिए निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर गए करीब 65 से अधिक अभियंता 3 साल पूरा कर चुके हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं 10-10 साल पूरा कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक भ्रष्टाचार का खेल है उसको देखते हुए जो राजकीय निर्माण निगम के जो प्रबंध निदेशक हैं, जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो इन अवर अभियंताओं को पीडब्ल्यूडी वापस नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनसे लंबे चौड़े समय तक सेटिंग हो गई हो चुकी होती है और अधिकारियों की सेटिंग हो जाती है, थोड़ा सा काम करने की आसानी होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये शासनादेश खुला उल्लंघन है। शासनादेश ये है कि 3 साल के बाद जो भी अवर अभियंता या जो भी अधिशासी अभियंता या जो भी अधीक्षण अभियंता राजकीय निर्माण निगम में जाएगा वो 3 साल के बाद वापस आएगा, लेकिन शासन के कई रिमाइंडर भेजने के बाद भी जो राजकीय निर्माण निगम प्रबंधन है वो इनको रिलीव नहीं कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार की जो शंका है वो बनी हुई है राजकीय निर्माण निगम में। जी तो मनीष जी, ये इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, आखिर शासन को क्या वजह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है या इनको वापस नहीं भेजा जा रहा है? देखिए इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार जो राजकीय निर्माण निगम है उसके प्रबंधक हैं, उसके कार्मिक विभाग के लोग हैं, उसके अलावा लोक निर्माण विभाग के भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जो वो प्रतिनियुक्ति की अवधि है वो पूरा करने वाले अपने कर्मचारियों को वापस बुलाएं। लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेटिंग वहां मजबूत कर ली है, जो प्रबंध निदेशक के खास हैं, जो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के खास हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, प्रबंध निदेशक उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहां 3 साल काटने के बाद पड़े हुए हैं, उनको कहीं किसी अच्छी डिवीजन में अच्छे या उनकी भाषा में कह लीजिए कि कहीं ठीक ठाक जगह पर तैनाती नहीं दी गई, तो वो परेशान है, उनके पास काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजकीय निर्माण निगम में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी निर्माण निगम प्रबंधन की है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की है, उनके विभागाध्यक्ष की है, उनके जो तमाम अफसर हैं उनकी है। शासन के बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी ये अफसर सोचिए कि वो कितना कलेजा है इनके पास की रिमाइंडर देने के बाद भी वो इन अभियंताओं को रिलीव नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कम उदाहरण देखने को मिला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हर काम जो नियम कानून से कराए जाने का जोर होता है, कोशिश होती है, मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि कहीं भी नियम कानूनों की अवहेलना ना हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लोक निर्माण विभाग में देखा जाए तो तमाम जो नियम कानून है वो बेकार हो गए हैं और जो मनमानी है अफसरों की वो जारी है। जी मनीष जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है वो कहा जाए कि उसको अपनाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये पत्र जो खेला जा रहा है इसके अलावा कोई ठोस कार्रवाई भी होगी या नहीं?
देखिए होना तो ऐसा ही चाहिए कि शासन बार बार पत्र लिख रहा है, शासन बार बार कह रहा है कि लोगों को वापस बुलाया जाए, पीडब्ल्यूडी में वापस बुलाया जाए, लेकिन जो अब तक नहीं बुला रहे हैं, जिनके जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके खिलाफ शासन स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन शासन स्तर के अधिकारी कार्रवाई कैसे करेंगे? जो एक तरह से अगर देखा जाए जो प्रमुख सचिव है, प्रमुख सचिव हालांकि अगर ऐसे मामले पहुंचते हैं नितिन बोकरन रमेश है वो जरूर कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये निचले स्तर के अधिकारियों जैसे वहाँ विशेष सचिव और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके स्तर पर सचिव वहाँ समीर वर्मा बैठे हुए हैं, समीर वर्मा पिछले साल से उसी विभाग में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मनीष जी देखने वाली बात होगी कि इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रेजिडेंट एडिटर मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पर ज्यादा जानकारी के साथ।